प्रस्तुत व्याख्यान में हम अपने समय को और अपने समाज को समझने का एक प्रयास करते हैं। ऐसा नहीं है कि यह प्रयास कोई पहली बार हो रहा हो। अपनी ज्ञान परंपरा में, अपने सांस्कृतिक इतिहास में यह चरण बार बार आता रहा है और एक जीवंत संस्कृति की यह पहचान है कि वह अपना पुनरालोकन करती रहे, अपने मूल्यों की, अपने समय की परीक्षा करती रहे। यह एक जीवंत संस्कृति से अपेक्षा है और इस अपेक्षा की पूर्ति वहाँ का जो विचारशील वर्ग है उसको निरंतर करते रहना चाहिए। अपनी संस्कृति में यह अवसर, जैसा कि मैंने कहा, कि कई बार आ चुका है और अपने समय की चिंता करना, उस पर विचार करना, चिंतन करना, यह हमारा युग धर्म होना चाहिए और इसका निर्वाह हम अपने बड़े कवियों से, बड़े चिंतकों के ग्रंथों से हम प्राप्त कर सकते हैं। यह प्रमाण रूप में हम जैसे वाल्मीकि और व्यास को लें तो अपने समय की उन्होंने उपेक्षा नहीं की, बल्कि अपने समय का कथानक लिखा। उन्होंने कथानक की रचना की, उन्होंने इतिहास लिखा अपने युग का और साथ ही अपने वर्तमान को उसके माध्यम से व्याख्यायित करने का प्रयास किया और आगे के लिए एक दिशा निर्देश किया। उन्होंने रामायण और महाभारत ऐसी ही कालजयी रचनाएं हैं और दोनों में, दोनों ही महाकवियों की अपने समय को लेकर के जो चिंता है वो बहुत स्पष्ट दिखती है। इन दोनों महाकाव्यों को हम अपनी संस्कृति का स्रोत भी कहते हैं और अपनी संस्कृति में जो मूल्य हैं उनका एक दृष्टांत भी हम इन दोनों महाकाव्यों को समझते हैं। इसमें जो वर्णित जीवन है वह जो वैदिक मूल्य हैं या सांस्कृतिक मूल्य हैं अपने देश के, चाहे वह किसी भी शाखा से, किसी भी स्रोत से आते हों, जिनको हम मूल्य समझते हैं, उसका सम्यक निदर्शन इन दो महाकाव्यों में देखने को मिलता है। मूल्यों की सूची बनाना और बात है कि ये बड़े अच्छे सद्विचार हैं, उन सद्विचारों को जीना एक बहुत बड़ी चुनौती है और इसी आत्मसंघर्ष, या जब हमारे पास कई विकल्प खुले रहते हैं चयन के लिए, तो हम उन उपलब्ध विकल्पों में से कौन से विकल्प का चयन करते हैं, यह हमारी अपनी सांस्कृतिक समझ है। और इन दोनों महानायकों ने, जो रामायण के हैं और जो महाभारत के हैं, इन दोनों ही महाकाव्य के महानायकों ने अपने अपने समय का जो सर्वोत्तम है वह चुना है। और इन दो महाकाव्यों को हम ऐसे सामान्य रूप से वर्गीकृत कर सकते हैं कि रामायण कर्तव्य का कथानक है और महाभारत अधिकार का। अब यदि कोई संस्कृति कर्तव्य को केंद्र में रख करके चलती है तो आप देखें उसमें त्याग की भावना विशेष रूप से प्रबल दिखाई देती है। जैसे कि रामायण के कथानक में राजसत्ता पर जिसका भी अधिकार है वह सब कोई अपना अधिकार छोड़ना चाहता है। दशरथ अपने अवस्था के कारण आगे राजा नहीं बने रहना चाहते, राम को वह समर्पित करते हैं। राम एक अलग प्रतिज्ञा से बंधे होने के कारण, पिता के वचन से बंधे होने के कारण वो उसको ग्रहण नहीं करते। भरत अपने भ्रातृधर्म से और उनके राजकुल में जो परंपरा चली आ रही है कि अग्रज ही राज्य का अधिकारी होता है, इस दृष्टि से वह नहीं ग्रहण करना चाहते। और इसी प्रकार से आगे भी, जहाँ लंका जब जीत ली जाती है तब भी राम उस पर अपना शासन नहीं आरोपित करते, वहाँ उनके भाई को समर्पित करते हैं, विभीषण को समर्पित करते हैं, उससे पूर्व भी सुग्रीव को बालिका राज्य प्रस्तुत करते हैं। तो जिनका भी उस पर अधिकार है सच में,
उस अधिकार को छोड़ने में, उस अधिकार का परित्याग करने में ये सारे पात्र संलग्न दिखाई देते हैं। दूसरी तरफ महाभारत में हम देखते हैं तो उसके कथानक में एक अधिकार के प्रति अद्भुत चेतना है, और हर कोई जिसका चाहे वैधानिक रूप से सत्ता पर अधिकार हो अथवा न हो, हर कोई सत्ता प्राप्त करना चाहता है, सत्ता पर अपना अधिकार प्राप्त प्रदर्शित करता है, और किसी न किसी तर्क से, नीति से, मतलब मूल में यह लोलुप्सा है सत्ता के प्रति। और इस लोलुप्सा में, लोलुपता में नीतियां गढ़ी जा रही हैं, तर्क गढ़े जा रहे हैं, जिससे कि वह उनका उस पर अधिकार स्थापित हो सके, तर्क सम्मत लगे, धर्म सम्मत लगे, नीति सम्मत लगे। मैं और कुछ नहीं, सिर्फ महाभारत कार की एक वेदना आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। महाभारत के मूल में जो एक शब्द है, जो इस पूरे महाकाव्य की पूंजी है और कुंजिका है, या वह एक फाउंडेशन स्टोन है, वह है धर्म। हर कवि ने अपने धर्म की ही कथा लिखी है, हर बड़े कवि ने, किसी चाहे वह किसी भी संस्कृति का हो, जिसको वह धर्म समझता है उसी का उसने आख्यान किया है। और इसी संदर्भ में यह भी पता चलता है कि कौन अपने युग धर्म को, अपने शाश्वत मूल्यों को कितना दूर तक व्याख्यायित कर पाया है, या उस कितना दूर तक समझ पाया है, इसी के अनुपात में उसकी रचना सफल असफल, कालजयी या काल में आबद्ध दिखाई देती है। महाभारतकार की वेदना है जब वो कहते हैं महाभारत के अंत में कि ऊर्ध्वबाहु विरोम्येश न च कश्चित् शृणोति माम, कि मैं कब से अपने दोनों भुजाएं उठा करके यह बार बार कह रहा हूँ, बार बार लोगों को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, मेरी कोई नहीं सुनता। क्या कहना चाहते हैं? धर्मादश्च कामश्च स धर्म किम न सेव्यते, कि धर्म से ही सब कुछ की प्राप्ति होती है, अर्थ काम आदि सभी धर्म के द्वारा ही नियंत्रित हों, धर्म के अनंतर ही प्राप्त हों, धर्म सम्मत हों, तभी वो कल्याणकारी होते हैं। इसलिए धर्म ही सबके मूल में है, लेकिन मेरी बात कोई नहीं सुनता कि धर्म का ही सेवन करना चाहिए, धर्म की ही उपासना करनी चाहिए, धर्म का ही अनुपालन करना चाहिए, शेष सारी चीज़ें उसके पीछे आती हैं, अर्थ काम सभी उसके पीछे आते हैं, और ये तभी कल्याणकारी भी होते हैं। अन्यथा धर्म से रहित अर्थ और काम किसी भी मानव के उन्नति के लिए, संस्कृति के लिए अच्छे लक्षण नहीं हैं। लेकिन महाभारतकार की यह वेदना संभवतः आज भी उतनी ही प्रासंगिक है, और इसीलिए मैं कह रहा था कि अपने समय की व्याख्या कौन सा कवि कितना दूर तक कर पाया है, अपने धर्म को कितनी दूर तक पहचान पाया है, यह उसकी रचनाओं में निरंतर प्रतिबिंबित होता रहता है। मैं जब अपने, हम सभी मिल करके यदि हम अपने समय का व्याख्यान प्रस्तुत करें, तो ऐसा देखा गया है, ऐसा देखा जाता है और बिल्कुल स्पष्ट रूप में हमारे सामने है कि जिन मूल्यों का क्षरण हुआ है, हम उत्तरोत्तर जिस अपसंस्कृति के शिकार होते चले जा रहे हैं या हो चुके हैं संभवतः, उसके प्रति अब एक जागृति भी धीरे धीरे समाप्त हो रही है। मतलब एक तो ऐसा था कि हमारा मूल्य का क्षय हो रहा है, एक चिंता होती थी, अब तो ऐसा प्रतीत होता है कि हम उस क्षय को ही अपनी नियति मान चुके हैं, और उसमें ही संतुष्ट रहने का या यथास्थिति में जीने का हम अपने को अभ्यस्त बना रहे हैं। तो यह एक बड़ी त्रासदी वाली बात है, और इससे हमें निश्चित रूप से मुक्त होना पड़ेगा, और उसके लिए जो भी उद्योग किए जा सकते हैं वो किए जाने चाहिए। हम अपने संस्कृति के ही विविध पक्षों को देखें तो हम पाएंगे कि जैसे हमने रामायण महाभारत की चर्चा की, वैसे ही इस विघटन को, मूल्यहीनता को या मूल्य के क्षरण को हम बताने के लिए हमारे यहाँ एक पारंपरिक शब्द है, ग्राम्य धर्म। अब इस ग्राम्य धर्म का मतलब है कि हम श्रेय की चिंता छोड़कर प्रिय की ओर उन्मुख हो चुके हैं,
और जब ऐसी स्थिति आती है तो धर्म का क्षरण होता है, धर्म की धर्म संस्थापित नहीं रह पाता। हम अपने युग धर्म से, अपने मानव धर्म से कहीं विचलित दिखाई देते हैं। और अवतार में तो निरंतर यह घोषणा होती रही है, संभवामि युगे युगे धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो धर्म का ऐसा नहीं है, धर्म हमारी संस्कृति का अंग है। संस्कृति वो है जो हम अर्जित करते हैं, प्रकृति प्रदत्त नहीं है। तो जिसको हम धर्म समझते हैं, जो अनादिकाल से धर्म एक वैश्विक नियमावली चली आ रही है, हम उसके समानांतर जब हम चलते हैं तभी हमारा अभ्युदय और निःश्रेयस दोनों की प्राप्ति होती है, अन्यथा ये दोनों ही संदिग्ध रहते हैं। तो ईश्वर की घोषणा में भी यही बात है कि जब जब उस धर्म का क्षय होता है, क्षरण होता है, उसकी पुनः स्थापना के लिए, उसकी रचना के लिए नहीं, क्योंकि वह धर्म किसी के द्वारा रचित नहीं है, तो उसकी पुनः स्थापना के लिए, जिससे कि हमारा अस्तित्व भी संरक्षित रहे, धारणा धर्मम हम कहते हैं, धर्म इसलिए कहते हैं क्योंकि वह एक प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेंस है, धारण करने का सिद्धांत है। तो जैसे बाकी वैश्विक पदार्थ अपनी स्थिति को बनाए रखते हैं उस नियम के अनुकूल रह करके, वैसे ही यदि हमें भी इस पृथ्वी पर, इस लोक में अपने अस्तित्व को संरक्षित रखना है, मानव अस्तित्व को, जीव के अस्तित्व को, तो हमें भी उनका अनुपालन करना आवश्यक हो जाता है। तो अवतार इसी के निमित्त होते हैं कि कैसे इस धर्म की स्थापना की जाए, धर्म को स्थापित रखा जाए। तो रामायण महाभारत के अनंतर एक और ग्रंथ है जिसमें हमें इस अवमूल्यन का प्रमाण मिल जाता है, और वो है नाट्यशास्त्र। नाट्य वेद को पंचम वेद कहा जाता है, और उसके मूल में यह बात है कि अब जो समय है नाट्यशास्त्र का, जो शास्त्रकार का जो समय है, उसमें यह कहा जाता है कि लोग ग्राम्य धर्म की ओर प्रवृत्त हो रहे हैं, और किसी में इतनी योग्यता या इतना अवकाश लोगों के पास नहीं है कि वह वेद आदि का विधिवत अध्ययन कर सकें, वेदांगों के सहित और भी जो उपवेद आदि हैं उन सबके साथ समग्रता में एक जीवन का धर्म बना करके, जीवन का लक्ष्य बना करके इसका अध्ययन कर सकें। तो ऐसी स्थिति में अपने समय के अनुकूल एक और अन्य वेद की रचना की आवश्यकता है। इसका अर्थ यह है कि वेद की सारी जो मूल्य परकता है, उसके जो सिद्धांत हैं या उसके अनुकूल जो जीवन चरित्र होना चाहिए, वह सब कुछ हम इसके माध्यम से सुगमता से, सरलता से लोगों तक संप्रेषित कर सके, ऐसा कोई शास्त्र हमें चाहिए, और उसके पूर्ति के रूप में नाट्यशास्त्र हमारे सम्मुख आता है। तो ग्राम्य धर्म से विमुख करने वाला, जो लोग प्रवृत्त हो रहे हैं ग्राम्य धर्म में, उससे हटा करके लोगों को सन्मार्ग पर लाने का प्रयास करने का एक यह प्रमाण है कि कैसे लोग अपने इस युग धर्म को पूरी तरह से विस्मृत न कर पाए और अपने सन्मार्ग पर, अपने धर्म के अनुसार वह पुनः उस मार्ग पर चल पड़े, और जिसके अनंतर जो वैदिक आदि जो ज्ञान पद्धति है उसको हम प्राप्त कर सकें। यह बात उत्तरोत्तर कई टीकाओं में भी बड़े रोचक ढंग से आती है। जैसे आपको ध्यान होगा कि कालिदास के एक बहुत बड़े समालोचक हैं, उनके टीकाकार हैं, जिनका नाम है मल्लिनाथ। उन्होंने अपनी टीका का नाम ही संजीवनी रखा, और उन्होंने कहा कि जो पूर्व के व्याख्याकार हैं उनकी व्याख्याओं से कालिदास की कविता मूर्छित हो गई है, और यह संजीवनी टीका उसको पुनः जीवन प्रदान कर रही है, पुनः उसको अपने स्वरूप में स्थापित कर रही है। तो कालांतर में ऐसा भी होता है, दुर्व्याख्या से भी चीज़ें बदल जाती हैं, मूर्छित हो जाती हैं, अप्रासंगिक हो जाती हैं। यही चीज़ आगे चल करके हम जो एक और आचार्य अभिनव गुप्त का टीका ग्रंथ है लोचन, उसमें भी पाते हैं। और लोचन आचार्य आनंदवर्धन, जो काव्यशास्त्र के ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं कश्मीर के, उनका ग्रंथ है। और उस ध्वन्यालोक, ध्वनि का आलोक, लेकिन आलोक तब तक दिखाई नहीं देता जब तक नेत्र ना हो, तो इसलिए उन्होंने, आचार्य अभिनव गुप्त ने अपनी टीका का नाम ही रखा लोचन, जिससे उसका प्रकाश लक्ष्य किया जा सके,
उसके आलोक में, ध्वनि का जो आलोक है उसमें जो चित्त शक्ति का विस्तार है, चेतना का विस्तार है, विमर्श का विस्तार है, वह देखा जा सके। तो इस दृष्टि से यह भी एक प्रकार का दिव्य चक्षु है, जो भगवान अर्जुन को कहते हैं कि ऐसे तुम मेरे स्वरूप को नहीं देख सकते, मैं तुम्हें दिव्यम ददामि ते चक्षु, तो दिव्य चक्षु देते हैं तभी उनके विश्वरूप का साक्षात्कार अर्जुन कर पाते हैं। तो कालांतर में ऐसे कई कथानक हमारी अपनी परंपराओं से भी मिलते हैं, लेकिन तब एक अच्छी बात यह है कि हमें इसकी चिंता होती थी कि हम अवमूल्यन की तरफ जा रहे हैं, हम ग्राम्य धर्म में प्रवृत्त हो रहे हैं, हम श्रेय की उपेक्षा करके प्रिय में संलग्न होते चले जा रहे हैं, धर्म की उपेक्षा करके हम अर्थ काम आदि में निरंतर अपने को निमग्न करते चले जा रहे हैं। यह चिंता सदैव बनी हुई है और इसीलिए समय समय पर हमारे विचारकों ने, हमारे आचार्यों ने अपने आचरण से, अपने आचार्यत्व से हमें इसकी शिक्षा दी है। वर्तमान संकट ये है कि जैसे महाकथानक रामायण और महाभारत जैसे हमारी संस्कृति में उपलब्ध थे और जैसे कवि हमारे यहाँ उपलब्ध थे वाल्मीकि और व्यास जैसे, संभवतः अब इस तरह के महाकथा या कथानक को रचने की क्षमता हम धीरे धीरे खोते चले जा रहे हैं। अंतिम रूप से यह समय बहुत दूर नहीं गया है जब ऐसे कवि हमारे बीच रहे हैं, अभी भी होंगे मैं मानता हूँ, क्योंकि इस संभावना से हम इनकार नहीं कर सकते। स्वयं निराला या प्रसाद जी की रचना इसका ज्वलंत प्रमाण है कि कैसे हम अपने समय की महाकथा लिख सकते हैं, राम की शक्ति पूजा के रूप में या अपने कामायनी के रूप में। तो ऐसे विलक्षण प्रतिभा वाले कवि संभव है आगे भी आए, तुलसी ने जैसे अपने समय का आख्यान किया। तो इस प्रकार से हम इन कथा नायकों के माध्यम से हम पुनः अपने लक्ष्य को देख पाते हैं, अपने मार्ग का संधान कर पाते हैं। तो वर्तमान संकट इस अर्थ में भी बहुत गहरा है कि आज हमारे सामने न कोई महाकथा है, न कोई महानायक है, न कोई महाकवि है। ठीक है, हम नेतृत्व करने वाले नायकों से या तो दूर हो चुके हैं या हमने अपनी दिशा ही इस तरह से बदल ली है कि हमें ये नायक या इनकी उपस्थिति या इनकी पुकार सुनाई नहीं दे रही। तो यह हमारा वर्तमान समय है। मैं ये पश्चिमी अर्थ में नहीं कह रहा हूँ कि कैसे मिडिल एज से आधुनिक, आधुनिक से उत्तर आधुनिक ये विकास यात्रा हो रही है, मैं इसकी चर्चा नहीं कर रहा हूँ, बल्कि उन मूल्यों के विघटन की चर्चा कर रहा हूँ जो पूर्व और पश्चिम का भेद नहीं जानते। दोनों जगह मनुष्य सब जगह है तो चिंताएं भी उनकी एक जैसी हैं, बहुत अर्थों में ह्यूमन कंडीशंस एक जैसे हैं। तो चाहे पूर्व हो चाहे पश्चिम हो, बात सबके लिए समान रूप से हमें परिलक्षित होती है। तो यह जो मूल्य विपर्यय है, मूल्यों में ह्रास होना एक स्थिति है और एक मूल्य पर दूसरे, एक मूल्य को विस्थापित करके दूसरा मूल्य जब वहाँ स्थापित हो जाता है या अपने को मूल्य रूप में घोषित कर देता है, तब यह स्थिति बड़ी विकट हो जाती है, बड़ी ही जटिल, और इसका निराकरण इतना सहज नहीं है। तो मैं उसी पक्ष की ओर कुछ बिंदुओं पर आपसे चर्चा करना चाहता हूँ और यह आपके सम्मुख विचारणीय है। जैसे मूल्य परकता किसमें थी? सुख में, सुविधा में नहीं। हमारा समय सुख की उपेक्षा करता है, सुविधा को प्रधान मानता है, या ऐसे हो गया कि जैसे सुख और सुविधा पर्यायवाची बन गए। इसका अर्थ ये हुआ कि यदि सुविधा नहीं है तो सुख भी नहीं है, या सुख की प्राप्ति के लिए अनिवार्य शर्त है सुविधा को प्राप्त करना, पहले सुविधा के माध्यम से सुख की प्राप्ति होती है। यदि हमारे चतुर्दिक सुविधा के साधन हैं तो हम यह मान के चलते हैं कि हम सुखी हैं, जबकि यह स्थिति कहीं से भी सांस्कृतिक समझ वाली स्थिति नहीं लगती, क्योंकि यदि ऐसा होता तो हमारे अपनी ही ज्ञान परंपरा में, अपनी ही संस्कृति में कई ऐसे उदाहरण हैं। महात्मा बुद्ध को क्या कमी थी सुविधाओं की, लेकिन सुख नहीं।
इसी तरह से नारद सनत कुमार का एक संवाद उपनिषद में आता है, जिसमें नारद कहते हैं कि मैंने सारी विद्याओं का विधिवत अध्ययन कर लिया लेकिन मुझे सुख नहीं है। तो सुख की प्राप्ति केंद्र में होना चाहिए था, सुविधा की प्राप्ति नहीं। तो यह जो आख्यान हम निरंतर आगे बढ़ने के प्रयास में हम भूलते चले गए, तो जिसके लिए हम परंपरा कहते हैं, परंपरा का अर्थ केवल आगे बढ़ते जाना नहीं है बल्कि पीछे की इस अनुभव को, मूल्य को संचित करते हुए आगे बढ़ना होता है। तो वह सारा आख्यान हम विस्मृत करके हम निरंतर आगे अपने सुविधाओं को निर्मित करने में, सुविधाओं को अपने चतुर्दिक बढ़ाने में, चाहे वह हमारे लिए आवश्यक हो या अनावश्यक हो, हमने यह माना कि सुख इन्हीं में है। तो यह स्थिति बनी कि सुख से सुविधा की ओर हम प्रवृत्त हुए और सुविधा को ही कालांतर में हमने मूल्य समझ लिया, सुख का स्थान दे दिया। और यह बात पश्चिम में भी देखी जा सकती है। अरिस्टोटल ने कहा कि हैप्पीनेस शुड बी द गोल ऑफ लाइफ, है ना, हैप्पीनेस, गुडनेस, ये कंफर्ट नहीं। ह्यूमन सिविलाइजेशन, मानव सभ्यता आज कंफर्ट सीकिंग सिविलाइजेशन में परिवर्तित हो चुकी है, जिसमें सुविधाओं की बाढ़ आई हुई है। जितने प्रकार से तकनीकी विस्तार है या जीवन शैली जो हमने विकसित की है वो सुविधाओं के चतुर्दिक है, और उन सुविधाओं को पूर्ण करते करते शायद हम इतने थक जाते हैं या इतना समय हमारा निकल जाता है कि कई बार तो उन सुविधाओं को भोगने का भी समय नहीं मिलता, और जब समय भी हो तो उसका कोई प्रयोजन नहीं रह जाता, मतलब उससे सुख नहीं आ सकता। हम ऐसी विकट स्थिति में पहुँचते चले जा रहे हैं। दूसरा जो विपर्यय आया वह था, वह है गुडनेस टू सक्सेसफुलनेस, मतलब एक धर्म के अनुकूल जीने का संकल्प लेने वाला व्यक्ति आज अपने को सफल होने या सफलता के नए मानदंड या प्रतिमान गढ़ने वाला व्यक्ति बना चुका है। उसमें उसका जो चरित्र, उसके जीवन के जो अच्छे मूल्य हैं, वो सब उपेक्षित हो जा रहे हैं। तो दुनिया आजकल सफल लोगों से भरी पड़ी है, इसमें अच्छे लोग बड़े मुश्किल से मिल पाते हैं, अच्छे लोगों की कमी हो गई, सफल लोग चतुर्दिक भर गए। और सफलता की गारंटी देने वाले कई संस्थान भी, जिसमें विश्वविद्यालय भी हैं, दूसरे संस्थान भी हैं, ये सब सुनिश्चित कर रहे हैं आजकल। मतलब प्रमाण पत्र जो हम प्राप्त करते हैं वह सफलता का प्रमाण पत्र है, अच्छे होने का प्रमाण नहीं है, प्रमाण पत्र वह नहीं है। और सफलता किसमें है, जहां हम अधिक से अधिक धनोपार्जन या जिसको समाज ने आज मूल्य बनाया हुआ है, हम उस आधार पर हम अपने को आगे बढ़ाते हैं, तभी वह स्वीकृत हो पाता है। तीसरा जो विघटन हुआ या विपर्यय हुआ वह है ज्ञान के स्थान पर सूचना का आविर्भाव, इन्फॉर्मेशन के स्तर पर क्रांति आ चुकी है। टेक्नोलॉजी और ऐसी चीज़ें जो विकसित हुई उसने सूचना क्रांति ला दी, लेकिन सूचना हमारा प्राथमिक उद्देश्य नहीं है, नहीं होना चाहिए था। उस अंतिम उद्देश्य ज्ञान है, लेकिन उस ज्ञान को तिरस्कृत करके और अथवा ज्ञान को सूचना का पर्याय बना करके आज हम जीते हैं। हमारे लिए सूचना ही ज्ञान है। मैं अभी एक नारद सनत कुमार के संवाद का उल्लेख कर रहा था, जहां उन्होंने कहा कि नारद ने कहा कि हमने सारी विद्याओं का, चतुर्दश विद्याओं का अध्ययन कर लिया, वेद, वेदांग आदि सभी जितनी भी ज्ञान विधाएं हैं सबका सम्यक रूप से अध्ययन कर लिया, लेकिन मुझे सुख नहीं है। तो सनत कुमार ने कहा, जिन विद्याओं का तुमने अध्ययन किया वो केवल नाम मात्र हैं, तुमने केवल नाम से उनको जाना है, उसका मर्म नहीं, उसकी अनुभूति नहीं हुई तुम्हें, है ना, और इसलिए सुख नहीं है। जबकि उस अनुभूति के स्तर को प्राप्त करना लक्ष्य होना चाहिए। इसलिए उपनिषदों में दो प्रकार के ऋषि हैं, आत्मवेत्ता ऋषि और मंत्रवेत्ता ऋषि।
नारद मंत्रवेत्ता हैं, आत्मवेत्ता नहीं है। सनत कुमार मंत्रवेत्ता नहीं, आत्मवेत्ता हैं। जहाँ उस तत्व का उन्होंने अनुभव किया है, उस तत्व को उन्होंने हृदय से जान लिया है और अब उनके सारे रोग शोक दुख आदि जितने भी हैं वो सब निवृत्त हो चुके हैं। तो इस प्रकार से हम सूचना के काल में जी रहे हैं, जहाँ हमारे पास अनंत सूचनाएं हैं, सूचनाओं के साधन हैं, भंडार हैं। मैं इनकी उपयोगिता की अवहेलना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इन्हीं को मूल्य या अंतिम लक्ष्य मान के बैठ जाने से जो हमारी हानि होगी कालांतर में, उसके ओर हमें निश्चित रूप से ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। चौथा जो मूल्य विपर्यय हुआ वह कि एक ज्ञान की प्राप्ति निरुद्देश्य भी आदर्श मानी जाती थी, कि हम ज्ञान की प्राप्ति बिना किसी कारण के, बिना किसी प्रयोजन के, बिना लाभ की चिंता किए कि उस ज्ञान से हमें पर आगे के जीवन में क्या लाभ होगा, हम ज्ञान प्राप्त करते थे। यह हमारा आदर्श था, कितना कर पाते थे वह अलग बात है, लेकिन यह आदर्श भी विघटित हुआ। और जो एक समय में श्रुति वाक्य है कि ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्मः षडंगो वेदेध्ययो गेयश्च, कि ब्राह्मण को, यहाँ कोई जाति की बात नहीं है, जो भी जिज्ञासु है, जो भी अपने जीवन में ज्ञान की आराधना करना चाहता है, उसको बिना किसी कारण के निष्कारण छह वेदांग सहित वेदों का अध्ययन उसे करना चाहिए। ये हमारा आदर्श था। ये पश्पशानिक जो महाभाष्य का प्रथम अध्याय है, पतंजलि का जो ग्रंथ है अष्टाध्यायी के ऊपर, जो उनका भाष्य है, उसमें उद्धृत भी है, यह श्रुति वचन है। तो यह आदर्श है कि कैसे बिना किसी प्रयोजन कारण के भी हम वेद आदि का वेदांगों सहित अध्ययन करें, यह एक जीवन में आदर्श माना जाता रहा। अभी क्या है कि हम निष्प्रयोजन ज्ञान अर्जित नहीं करते, ज्ञान अर्जित करने से पहले हमें यह सुनिश्चित करते हैं, उस ज्ञान की महत्ता या उपयोगिता को मापते हैं कि इसको अर्थ रूप में कितना हम परिवर्तित कर सकते हैं, कितना अर्थ करी है यह विद्या, अर्थ रूप अर्थ से उसका निर्धारण हम करते हैं वित्तीय अर्थ के संदर्भ में, कि आगे चल करके वह जीवन में कितना प्रतिफलित होगी, क्योंकि यह अर्थ किस ओर ले जाएगा, हमें सुविधाओं की ओर ले जाएगा, हम अपनी सुविधाओं की पूर्ति कर सकते हैं। सुविधाएं काम से जुड़ी हुई हैं और काम यदि अनियंत्रित है तो अनंत काल तक वह हमें इन सुविधाओं के सुयोग बनाने में ही हमें अनंत काल तक संलग्न रखता है। तो इसलिए एक विघटन हुआ जहाँ ज्ञान को निष्कारण रूप से भी प्राप्त करने के योग्य माना जाता था, अब बिना उसका पूर्व निर्धारण किए हुए वित्तीय मापदंड से हम उसमें प्रवृत्ति नहीं होते। तो यह एक विपर्यय आया। इसके अलावा ज्ञान का की प्रकृति या ज्ञान का प्रयोजन भी बदला। जैसे ज्ञान का प्रयोजन क्या था, मुक्ति, अपने स्वरूप का लाभ। कहते हैं भगवद्गीता में भगवान कृष्ण कि नहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रम यह विद्यते, ज्ञान के सदृश पवित्र करने वाला और कोई दूसरा साधन नहीं है। पवित्र करने का अर्थ क्या हुआ, मतलब हमारे भीतर कुछ मलिनता है, मल से युक्त हैं, दोष से युक्त हम हैं, इसलिए ज्ञान की आवश्यकता है कि वह हमें पवित्र करे करता है। पवित्र करने से हमारा ही प्रकाश चतुर्दिक फैलता है, हम अपने को विश्व स्तर पर जान पाते हैं और स्व पर का भेद विलीन हो जाता है। यह ज्ञान का प्राथमिक उद्देश्य था। और भी आगे चलें तो देखते हैं कि कश्मीर में बैठे आचार्य अभिनव गुप्त श्रीनगर में वो उद्घोष कर रहे हैं अपने ग्रंथ तंत्रसार में, यह ज्ञानम मोक्ष कारणम। यह ज्ञान क्या है, मोक्ष का कारण है। किस कैसे मोक्ष का कारण है, तो आगे वो कह रहे हैं कि बंध निमित्तस्य अज्ञानस्य विरोधकत्वात्, कि जो बंधन का निमित्त अज्ञान है उसका यह विरोधी है। ज्ञान मुक्त करता है तो अज्ञान हमें बांधता है, बंधन में डालता है, और ज्ञान उसका विरोधी है, उस अज्ञान का, मतलब जो बंधन का कारण है उसका विरोधी है, उसको छिन्न भिन्न कर देता है, इसलिए यह ज्ञान मोक्ष का कारण बताया गया है।
तो ज्ञान का जहाँ यह स्वरूप है, यह प्रयोजन है, उसकी जगह पर हम ज्ञान को आज किस रूप में देख रहे हैं? ज्ञान मुक्ति का साधन नहीं है, ज्ञान शक्ति है। और यह शक्ति कैसी है? जहाँ हम इस शक्ति से दूसरी संस्कृतियों को, दूसरे समुदायों को हम परास्त कर सकें। मतलब ज्ञान अपने वर्चस्व को स्थापित करने का आज एक सशक्त माध्यम बन चुका है। यह मुक्ति के लिए नहीं है, यह एक प्रकार से अपने वर्चस्व को बढ़ाने का एक साधन है, अपने अधीन सबको खींच लाने का साधन है। और वह चाहे विज्ञान के रूप में यह शक्ति हमारे सामने आती हो, चाहे अन्य अन्य रूपों में। तो यह एक विघटन ज्ञान के प्रयोजन और उसकी प्रकृति को लेकर के भी हुआ। छठा जो प्रयोजन हमें दिखाई देता है, विघटन दिखाई देता है, वह हम थोड़ा और उपनिषद काल में एक बार फिर लौटें तो कठोपनिषद में यमराज नचिकेता को उपदेश करते दिखाई दे रहे हैं। और उस उपदेश में बहुत ही स्पष्ट रूप में नचिकेता को उपदेश करते हुए यमराज कहते हैं कि दो मार्ग हैं श्रेय और प्रिय का। हर व्यक्ति अपने जीवन के प्रत्येक चरण में इन दो विकल्पों को सामने पाता है। अब यह उसकी विवेक बुद्धि या उसकी अपनी प्राथमिकताएं उसको मदद करती हैं कि वह श्रेय का मार्ग चुने अथवा प्रिय का मार्ग चुने। और साथ ही यह भी हमें चेतावनी दे रहे हैं कि ये दोनों मार्ग भिन्न भिन्न दिशाओं में जाते हैं। मतलब एक बार यदि हमने प्रिय का चयन कर लिया तो इसकी संभावना बहुत कम रह जाती है कि हम घूम करके फिर से प्रिय में चले आएं, श्रेय में चले आएं। तो ये दोनों भिन्न दिशाओं में ले जाने वाले मार्ग हैं। तो श्रेय वह है जो हमारे लिए श्रेयस्कर है, जीवन में निःश्रेयस की प्राप्ति कराता है। और प्रिय वह है जो हमें केवल प्रिय है, क्षणभर के लिए, कुछ काल के लिए वह प्रिय लग सकता है, कालांतर में हो सकता है उससे दुख मिले, उससे और हम पंख में धंसते चले जाएं, यह सब कुछ हो सकता है। लेकिन हमें इसकी चिंता जीवन के प्रत्येक चरण में करनी पड़ती है। और इसलिए जीवन के प्रत्येक चरण में चयन करते हुए हमें सजग रहना चाहिए। मैं एक बार और एक बात और यहाँ पर स्पष्ट कर दूँ कि जिनको हम यमराज कह रहे हैं, शायद इससे एक भयावह मूर्ति उनकी सामने आती होगी, इन्हीं को हम धर्मराज भी कहते हैं, धर्म का नियमन करने वाले हैं। देखिए, मृत्यु का देवता है और अमरत्व का उपदेश करता है कठोपनिषद में, क्योंकि मृत्यु को जानना अमरत्व की प्राप्ति है, काल से परे होना। और इसीलिए यमराज को हम धर्म का नियमन करते हैं, इसलिए उनको हम अपने यहाँ धर्मराज भी कहते हैं। और इसलिए अमरत्व का, धर्म का उपदेश वो नचिकेता को दे रहे हैं। और यही चीज़ हमें बार बार मनन करने लायक थी। लेकिन इस उपभोक्तावादी युग में हमने श्रेय को छोड़ करके प्रिय का आश्रय ले लिया है, क्योंकि और इसको मूल्य के रूप में स्थापित, मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि जो दूसरा पक्ष है वह पहले पक्ष को विस्थापित कर चुका है। और श्रेय को मूल्य दिया जाता था, श्रेय को मूल्य परक माना जाता था, मूल्य श्रेय का था, उसके स्थान पर प्रिय की को स्थापित किया जा चुका है। तो और यह उस संस्कृति को एक बाजार देने में या एक नीति या एक दर्शन देने में का एक प्रयास है जिससे उसकी मूल्य परकता स्थापित हो। तो श्रेय प्रिय का भी एक विघटन यहाँ दिखाई देता है। इसके अतिरिक्त जो आदर्श जीवन कहा जाता है वह त्रिवर्ग या चतुर्वर्ग का है। साहित्य में भी हम त्रिवर्ग या चतुर्वर्ग की, जैसे नाट्यशास्त्र की ही रचना जिस प्रकार से हुई, वह धर्म अर्थ काम मोक्ष सबकी प्राप्ति कराने वाला शास्त्र है, चतुर्वर्ग की फल प्राप्ति कराने वाला शास्त्र है। काव्यशास्त्र में भी बार बार हमारे आचार्यों ने काव्य को, साहित्य को इसी रूप में प्रस्तुत किया है, चतुर्वर्ग फल प्राप्ति। ये विश्वनाथ आदि आचार्य जो प्रवृत्ति काल में आ रहे हैं, उन सब ने इस बात को उपस्थापित किया है। तो धर्म अर्थ काम अथवा धर्म अर्थ काम मोक्ष, इन सब का इसमें समाहार है, काव्य जैसी विद्या में भी। और काव्य को हम इसलिए भी ज़्यादा
महत्वपूर्ण समझते हैं, क्योंकि दूसरे जो शास्त्र हैं वो या तो धर्म के हैं या अर्थ के हैं या काम के हैं या मोक्ष के हैं। समन्वित रूप से साहित्य में ही ये चारों प्राप्त होते हैं एक साथ, इसलिए भी साहित्य का महत्व यहाँ। और साहित्य कोई केवल सिद्धांत की चर्चा नहीं कर रहा, वह चर्चा इसकी कर रहा है या चिंता इसकी कर रहा है कि जो व्यक्ति अपने जीवन में पुरुषार्थ चतुष्टय जो धर्म अर्थ काम मोक्ष हैं इनकी प्राप्ति का उद्योग करता है, उसके जीवन में किस प्रकार का संघर्ष आता है, किस प्रकार से उसके सामने कई विकल्प खुले रहते हैं, जिन विकल्पों में से उसे ठीक विकल्प चुनना होता है, वहाँ उसकी चुनौतियाँ कठिनाइयाँ क्या होती हैं, इन सब के साक्षी के रूप में साहित्य हमारे सामने या सहचर के रूप में साहित्य हमारे सामने खड़ा रहता है। तो इसलिए साहित्य के ही संदर्भ से मैं यह बात कह रहा हूँ। तो चतुर्वर्ग धर्म अर्थ काम मोक्ष, इस समय का जो समाज है हमारा, जो हमारा समय है, उसमें धर्म और मोक्ष ये दोनों ही कहीं दूर जा चुके हैं। इनका जो एक संयम था, नियंत्रण था अर्थ और काम पर, यह पूरी तरह से हट चुका है। और अब इसकी अनुपस्थिति में, धर्म की अनुपस्थिति में, हमने अभी महाभारतकार का वचन सुना, इस धर्म की अनुपस्थिति में अर्थ अनैतिक हो चुका है और काम अनियंत्रित हो चुका है, क्योंकि उसके सामने कोई मोक्ष जैसा कोई उद्देश्य नहीं है। तो अब स्थिति क्या बनी कि हमारा समाज या हमारा समय जिसको प्राथमिकता देता है वह केवल अर्थ और काम का समाज या काल है, जिसमें अनैतिक साधन है। साधनों की नैतिकता अनैतिकता पर हम विचार अब नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि आगे जो कामनाएं हैं वह अनियंत्रित हैं, उद्दाम हैं, उसमें भी कोई नियंत्रण नहीं है धर्म का। तो उन उद्दाम या अनियंत्रित अनंत कामनाओं की पूर्ति के लिए जो साधन होंगे उनके चयन में भी हमारे पास संभवतः इतना अवकाश नहीं रहेगा कि हम उनके नैतिक या अनैतिक होने का विचार कर सकें। और उसका प्रतिफलन जो हमारे दैनिक जीवन में, हमारे सामाजिक जीवन में जो देखने को मिलता है वो प्रत्यक्ष है, प्रतिदिन उसके कुछ न कुछ प्रमाण हमें प्राप्त होते रहे। तो इस प्रकार से यह उसी उपभोक्तावादी संस्कृति के मूल्यों का स्थापना करने का प्रयास है, जिसमें हम अधिक से अधिक कंज्यूम कर सकें, अधिक से अधिक उपभोग कर सकें। इसी तरह से संयम नियम जो एक मूल्य है, उसके स्थान पर उपभोग एक मूल्य के रूप में स्थापित हो चुका है। मतलब आज समाज में हमारी प्रतिष्ठा इस रूप में है कि हम कितना अधिक से अधिक उपभोग करते हैं और उपभोग के कितने समर्थ साधन हमारे पास हैं, इससे हमारी सफलता, इससे हमारे व्यक्तित्व, इससे हमारे जीवन का मूल्य निर्धारित होता है। इसमें नहीं कि हम इनका कितना दूर तक परित्याग करते हैं, कितनी दूरी हमने इनसे बनाई है अपने जीवन में, संयम नियम को हमने अपने जीवन के केंद्र में रख करके अपना जीवन यापन किया है, यह हमारे लिए मूल्य नहीं रह गया। मूल्य है कि हम कितना उपभोग करते हैं। तो यह भी एक मूल्य विपर्यय का एक बड़ा उदाहरण है। हम प्रायः यह देखते हैं अपने यहाँ, जो पारंपरिक हमारी समझ थी, हम अपने पूजा स्थल में गणपति और लक्ष्मी दोनों की पूजा करते हैं एक साथ, जो शुभ और लाभ के प्रतीक हैं। तो अपने इस भौतिक उत्कर्ष के क्षेत्र में भी हमने लाभ को प्रधान नहीं बनाया, शुभ प्रधान है, या लाभ शुभ से नियंत्रित है। यह भी विघटन हुआ, लाभ को केवल अपना केंद्र स्थानीयता प्राप्त हो गई, शुभ कहीं अनुपस्थित हो चुका है। तो जितना भी भौतिक उत्कर्ष का जो प्रक्रियाएं हैं, वाणिज्य है, व्यापार है, इन सब में लाभ प्रधान है, शुभ की चिंता नहीं कहीं भी। और इसीलिए लोक संग्रह कोई मूल्य नहीं रह गया,
जहाँ हम दूसरों के, अपने समाज के, अपने राष्ट्र के, अपने मानव समुदाय के प्रति एक जो हम अपना कर्तव्य बोध समझ सकते थे, वह हमारे सामने आज उपलब्ध नहीं है। आज हम केवल इस सफलता के युग में केवल कितनी आमदनी हम कमाते हैं, और वह आमदनी कैसी होगी, अनैतिक साधनों से भी होगी और अनियंत्रित इच्छाओं को बढ़ा करके होगी, क्योंकि जब तक इच्छाएं बढ़ेंगी नहीं आमदनी उतनी बढ़ेगी नहीं। तो उन इच्छाओं को और घी की आहुति डाल करके उनको और अनियंत्रित करना है, और उसके लिए जितने अनैतिक साधन हो सकते हैं उन सबका हम उसमें उपयोग करने में जरा सा भी हम कोई चिंता नहीं करते। हम शायद विचार करने का न तो हमारे पास अवसर रह गया है, न ही धीरे धीरे हमारे पास लगता है वो क्षमता ही रह जाएगी। तो यह एक कठिनाई हमारे सामने है। इसी तरह से एक और जो विघटन हुआ, जिसमें हम समझते हैं कि जहाँ विश्व एक परिवार था, वसुधैव कुटुंबकम, या विश्व को एक नीड़ कहा गया था, निष्ठ, उसके स्थान पर अब यह रूपक बदल करके बाजार हो चुका है, है ना। विश्व एक सजा धजा बाजार है, खूब सुंदर देखने में लगता है, आप कहीं भी चले जाएं इतने सजे धजे सब सड़कें, वीथियाँ और सब कुछ आपके सम्मुख होता है, लेकिन वह केवल तभी तक जब हमारे पास उसको प्राप्त करने के साधन हैं, क्योंकि इस बाजार में मूल्य है उसका, उस मूल्य को हम यदि चुकाने में समर्थ नहीं हैं तो हमारे लिए वह कोई अर्थ नहीं रखता, बल्कि कहना ये चाहिए कि हम उसके लिए कोई अर्थ नहीं रखते, हमारा कोई महत्व नहीं इस बाजार में, हम अपने को नगण्य अनुभव करते हैं, हम अपने को अस्तित्व विहीन अनुभव करते हैं। तो ये परिवार में जो एक सहयोग की भावना होती थी, परिवार में कोई सदस्य दुर्बल भी होता था तो उसको हम आगे ले जाने का प्रयास करते थे, एक सहयोग और सहभागिता की जो भावना थी वह धीरे धीरे विघटित होकर के एक बाजार के की संस्कृति को हम उसकी जगह पर आरोपित कर चुके हैं। तो विश्व एक परिवार से बाजार के रूप में परिणत हो चुका है, और बाजार में जैसी प्रतिद्वंद्विता रहती है, सहयोग नहीं रहता, सहभागिता नहीं रहती, और जिसके पास उस बाजार का मूल्य चुकाने की क्षमता है वही उसके लिए उपयोगी है, या उसी को वहाँ होना चाहिए इस विश्व में, ऐसी स्थिति बनती चली जा रही है। और यह भारत के लिए नहीं है केवल, यह पूरे विश्व स्तर पर यह इसका हमें परिचय मिल रहा है। इसी प्रकार से चरक संहिता का एक संदर्भ ले लें तो उसमें आचार्य चरक ने स्वस्थ जीवन की जो परिकल्पना रखी है, इसका भी अर्थ बदल गया। देखिए, संस्कृति जब विघटित होती है तो शब्दों के अर्थ कैसे बदलते हैं। जैसे एक शब्द उद्योग है, है ना, उद्योग था वह एक, अब स्थूल अर्थ रह गया उसका, इंडस्ट्री, सिर्फ इतना सा, और उसी तरह के अर्थ का अब विघटन का शिकार यह शब्द भी है, स्वस्थ। स्वस्थ का अर्थ है अपने में जो स्थित हो, विचलित ना हो, और अपने में जो स्थित व्यक्ति है उसमें यह स्वातंत्र्य होता है कि अपने लिए कौन सा साधन वह चुनता है, यह स्वातंत्र्य उसको प्राप्त है। अपने विवेक से अपने श्रेय की प्राप्ति के लिए, अपने जीवन में धर्म और मोक्ष की प्राप्ति के लिए वह, या चतुर्वर्ग की प्राप्ति के लिए वह उसके अनुकूल साधन आदि का भी चयन करता है। यह स्वतंत्रता और यह शक्ति उसके भीतर होती है। लेकिन यहाँ उस स्व में स्थित व्यक्ति को हमने देह के स्तर पर लाकर खड़ा किया, और मतलब भीतर से उसको निकाल करके बाहर की देहरी पर खड़ा कर दिया, और वहाँ उसे बताया गया कि स्वस्थ का अर्थ है हेल्दी। हेल्थ भी किसका? शरीर का, क्योंकि हम मानते हैं कि शरीर को स्वस्थ रहना चाहिए। शरीर स्वस्थ रहेगा तो उपभोग करने की क्षमता इसमें बची रहेगी, और उपभोग की क्षमता बची रहेगी तो फिर बाजार सकुशल चलता रहेगा, बाजार का भविष्य संकट में नहीं पड़ेगा। तो यह एक अवधारणा रखी। तो यहाँ चरक, आचार्य चरक ने कहा कि हित आयु और सुख आयु,
ये दो अवधारणाएं वहां आती हैं आरंभ में ही। सुख आयु तो केवल वह आयु है जो हम केवल अपने लिए जीते हैं, हम सुखी हैं, हमारे शरीर में कोई व्याधि नहीं है, निरोग हैं। लेकिन इसका अर्थ यह भी नहीं होगा कि हम स्वस्थ हैं। स्वास्थ्य रोग रहित रहना नहीं होता, रोग न रहने की स्थिति का नाम स्वास्थ्य नहीं है। कहीं इससे जिसमें हमारी भीतर ऊर्जा हो, एक उत्साह हो, जीवन में कुछ करने का संकल्प हो, जीवन में कोई प्रयोजन साधने का संकल्प हो, इन सब के साथ हमारा स्वास्थ्य सामने आता है, न कि रोग रहित होने में। तो सुख आयु की आयु ने स्थान ले लिया हित आयु का। हित आयु की एक अवधारणा है जिसमें हम जीवन जिए, स्वस्थ जीवन जिए, और हमारा जीना, हमारा जीवन लोक के भी अर्थ में, लोक के भी संदर्भ में सार्थक हो। हम केवल जी रहे हों तो अपने लिए हमारा जीना सार्थक ना हो, बल्कि जिस समाज में, जिस परिवार में, जिस देश में, जिस समाज में हम रह रहे हैं, उसके लिए भी इस जीवन का कुछ योगदान हो, हमारा रहना उनके लिए भी सार्थक हो। तो यह सुख आयु ने हित आयु को विस्थापित कर दिया, उसके स्थान पर अब सुख आयु का वर्चस्व है। इसी प्रकार से मूल्य इसमें था कि हम एकत्व का अनुभव करते, यह मूल्य परकता थी। लेकिन और इसीलिए जो कुछ भी हमने रचा अपने समय में, अपनी ज्ञान परंपरा में, उन सब का उद्देश्य आत्मविलयन है, इस स्व पर के भेद से मुक्त होना है। कितना हो पाते हैं मैं उसकी चर्चा नहीं कर रहा हूँ, हमारा आदर्श क्या था या आदर्श क्या होना चाहिए यह विचारणीय है। तो उस मूल्य परकता में आज जो हम अनुभव करते हैं कि आज मूल्य है कि हम कैसे एक दूसरे से स्वयं को भिन्न बताते हैं, एक दूसरे से हम कैसे अलग हैं, यह बताने में आज शायद ज़्यादा हम अपने अहम की तुष्टि पाते हैं। और यह विघटन, यह विभाजन कई स्तरों पर स्पष्ट दिखाई देता है, चाहे समाज के स्तर पर वर्णों में, जातियों में, भाषिक समुदायों में, आर्थिक रूप से समृद्ध या पिछड़े होने में, ये कई स्थितियों में, यह हमारे स्त्री पुरुष होने में, यह विघटन, यह विभाजन सर्वत्र दिखाई दे रहा है। और यह एक मूल्य है, हम इसमें आज कोई महत्व तो नहीं देखते कि हम यह कहें कि हम आपकी तरह हैं या हम सब एक हैं, बल्कि आज हम इसकी स्थापना में ज़्यादा तल्लीन दिखाई देते हैं कि हम कैसे दूसरों से, औरों से भिन्न हैं। तो अपने देश के स्तर पर, अपने जाति के स्तर पर, भाषिक समुदाय के स्तर पर, भिन्न भिन्न स्तरों पर यह विघटन कार्य कर रहा है और यही मूल्य परखता है। और राजनीति में विशेष रूप से, राजनीति की तो यह पूंजी है, उससे उसका जो उद्योग है और प्रतिफलित हो रहा है। तो जहाँ भेद से अभेद की हम चर्चा करते थे कि भेद का अतिक्रमण करके हम अभेद में, अभेद की भूमि में प्रतिष्ठित होते हैं, वहाँ स्थिति बिल्कुल विपरीत हो गई। हम अभेद की स्थिति से अपने को भेद की स्थिति में स्थापित करना ज़्यादा महत्वपूर्ण समझते हैं, या मूल्य हम इसमें समझते हैं कि इस ओर हमारा उद्योग होना चाहिए। अभी हमने रामायण और महाभारत, दो महाकाव्यों की चर्चा की, जिसमें एक में कर्तव्य प्रधान है, दूसरे में अधिकार का कथानक है। तो निश्चित रूप से जो मूल्य है हमारे यहाँ वह कर्तव्य का है ना, एब्सटिनेंस का है, त्याग का मूल्य है, न कि ग्रहण का, संचय का, और अधिकार आरोपित करने का, अधिकार की घोषणा करने का। यह भी एक विपर्य सामने आया कि हम अधिकार को, हमारा जो वर्तमान समाज है वह अधिकार केंद्रित है, कर्तव्य केंद्रित नहीं है। कर्तव्य को हमने कहीं विस्मृत किया, या उसका जो स्तर है वह द्वितीय स्तर का है, प्राथमिक वह नहीं है। आज हम अपने अधिकारों के बारे में अधिक सजग हैं, मानवाधिकार, पशुओं के अधिकार, स्त्रियों के अधिकार आदि कई प्रकार के अधिकारों की तो चर्चा करते हैं, लेकिन हम अपने कर्तव्य की चर्चा
इसके साथ नहीं करते या इससे पहले नहीं करते, जो कि प्राथमिक होना चाहिए था। तो कर्तव्य का स्थान आज अधिकार ने ले लिया है, और अधिकार के बाद हम कहीं अपने कर्तव्य का पुनः चिंतन भी करने की स्थिति में स्वयं को नहीं पाते। ठीक, तो यह भी एक प्रकार का मूल्य का क्षय या मूल्य का कह लें व्यतिक्रम हमारे समाज या समय में दिखाई देता है। और भी कई चीज़ें हुई, देखिए एक बड़ी सरल सी बात है समझने लायक, लेकिन इसके दुष्परिणाम कितने होंगे यह मैं और आप सभी कल्पना कर सकते हैं कि एक प्राचीन अवधारणा चली आ रही थी तीर्थ यात्रा की, तीर्थ की। तीर्थ जानते हैं किसको कहते हैं? नदी का वह भाग जिसको आप पार कर सकें एक छोर से, एक किनारे से दूसरे किनारे की ओर। तो यह एक रूपक है, जो तीर्थ स्थल हैं वो भी लोक और लोकोत्तर का अनुबंध है। लोक से हम लोकोत्तर की ओर जाते हैं, मतलब भौतिक से आध्यात्मिक की ओर जाते हैं, और वहाँ जो हमारा देवता या हमारा आचार्य बैठा है वह हमारा मार्गदर्शन करता है कि कैसे किस स्थान से इस नदी को हम पार कर सकते हैं, बजाय इसमें कि हम निमज्जित हो जाएं, डूब जाएं, हम कैसे इसको सरलता से इस भरपूर नदी को हम पार कर सकते हैं। तो इस अर्थ में हम उसको तीर्थ यात्रा कहते हैं। और ऐसे कई चार धाम की यात्रा या शक्तिपीठ और ऐसे कई हमारे यहाँ तीर्थ के स्थल हैं जहाँ जाकर के हम आत्मचिंतन करते थे, आत्मचिंतन करने की भूमिका में होते थे। हम वहाँ सुविधा देखने नहीं जाते थे कि वहाँ कितनी सुविधाएं हैं, हम शायद इस भाव से जाते ही नहीं थे कि हमें वहाँ कोई अपना अवकाश मनाना है जाकर। वहाँ जाकर के हम चिंतन अनुचिंतन करते थे अपने अब तक के व्यतीत किए हुए समय को और आगे आने वाले जो हमारे लक्ष्य हैं उनकी प्राप्ति के लिए क्या मार्ग सुनिश्चित किया जा सके। एक प्रकार से यह एक अंतर यात्रा थी, तीर्थ यात्रा। हम एक भौगोलिक परिवेश में, भौगोलिक जगत में जरूर हम भ्रमण करते हैं, लेकिन हमारी यात्रा वस्तुतः अंतर्मुखी होती है। तो आज यह जो संदर्भ है यह पूरी तरह से विकृत हो चुका है। ये सारे तीर्थ के केंद्र पर्यटन के केंद्र घोषित हो चुके हैं, अथवा इनको बहुत त्वरित गति से परिवर्तित किया जा रहा है। वहाँ तक पहुँचने के मार्ग सुगम बनाए जा रहे हैं, इसमें कोई हानि नहीं है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ जाएं, लेकिन वहाँ जा करके या उस मार्ग में चलते हुए हमें कहीं भी यह बोध नहीं होता, हमें कहीं भी यह शायद चिंतन करने का अवकाश नहीं मिलता कि हम एक अंतर यात्रा पर जा रहे हैं, हम अपने आत्म तत्व की खोज में जा रहे हैं, आत्मशुद्धि के लिए जा रहे हैं, जीवन के प्रति जो हमारा संकल्प था उसको पुनः याद करने के लिए जा रहे हैं, उसकी पुनरावृत्ति के लिए जा रहे हैं, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पुनः कृतसंकल्प होने जा रहे हैं। यह शायद हमारे भीतर अब नहीं रह गया, क्योंकि पर्यटन केंद्र का मतलब है वहाँ हम अधिक से अधिक सुख सुविधाएँ उपलब्ध हैं जिनका हम अधिक से अधिक, चूँकि हमारे पास साधन हैं, हम उनका अधिक से अधिक उपभोग कर सकें। और इन पर्यटन केंद्रों से सरकारें जो हमारी हैं या जो और दूसरे जो लोग इसके लिए, इसके जो जिम्मेवार हैं, जो लोग इसका संरक्षण कर रहे हैं, वो अधिक से अधिक इसका उपभोग कर सकें, ऐसी स्थितियां निर्मित की जा रही हैं। तो जितने भी तीर्थ स्थल हैं वो सभी पर्यटन केंद्र में परिवर्तित होते चले जा रहे हैं, और यह एक ऐसी अंधी दौड़ है जिसमें शायद हम अभी अनुभव नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन कालांतर में इसका बहुत बड़ा नुकसान हमें उठाना पड़ेगा। मैं यह उसकी ओर तो ध्यान ही नहीं अभी दे रहा हूँ कि जिसके कारण ये तीर्थस्थल जो पवित्र होते थे वो सभी आज दूषित होते चले जा रहे हैं पर्यावरण की दृष्टि से भी, और वहाँ का समाज जो उस तीर्थस्थल पर रहने वाला समाज था, परिवार था, जो समुदाय वहाँ रहता था, उसके जीवन में भी हम विघटन ला रहे हैं। वो जितने पवित्र ढंग से अपना जीवन व्यतीत करता था, जिस मूल्य से वह अपना जीवन जीता था, आज वह उस स्थिति में स्वयं भी नहीं रह गया। तो हम केवल अपने को ही विकृत नहीं कर रहे हैं, जहाँ जहाँ हम जा रहे हैं इस विकृति को ढो करके वहाँ तक पहुँचा रहे हैं, और उसके पर्यावरण, उसके पवित्रता को हम कहीं दूषित कर रहे हैं। तो यह एक विचारणीय बिंदु हमारे लिए होना चाहिए।
और एक अंतिम और बात मैं कहना चाहता हूं कि हमारी संस्कृति ने योग जैसी एक विद्या और विधा दोनों दी। योग जोड़ने का भी काम करता है ना, जिस धातु से, अब उसके व्याकरण पक्ष में जाने का अवकाश नहीं है, लेकिन इसके दो अर्थ हैं, एक तो जोड़ना और दूसरा समाधि, मन की एकाग्रता। मतलब हम अपने तन मन और आत्म स्तर पर संलग्न हों और चित्त की एकाग्रता को हम साध पाएं। और यह एकाग्रता कैसी है, जिसमें चित्त वृत्तियों का निरोध हो जाता है। योग किसका नाम है, चित्त वृत्तियों के निरोध का नाम है। चित्त वृत्तियां जब तक हमारे चित्त में तरंगे उठाती रहती हैं, हमें विचलित रखती हैं, यही बात बौद्धों ने भी कही अपने आलय विज्ञान के संदर्भ में। चित्त का अर्थ बौद्धों के यहाँ आलय है। आप देखेंगे कि योग केवल के एक मार्ग नहीं है, योग की कई पद्धतियाँ अपनी संस्कृति में रही, जिसमें एक बहुत प्रसिद्ध, विश्व प्रसिद्ध है पातंजल योग, जो अष्टांगिक योग कहा जाता है। दूसरे भी योग के प्रकार रहे हैं, जैसे बौद्धों के यहाँ षडंग योग है, जिसमें यम नियम आसन को छोड़ करके नहीं, मतलब उनको तिरस्कृत नहीं कर रहे हैं, लेकिन योग के अंग के रूप में केवल नहीं परिगणित कर रहे हैं। तो इन तीनों के जगह पर एक अनुस्मृति नामक योगांग उन्होंने स्वीकार कर लिया है, जिसमें हम पूर्व बुद्धों का स्मरण करते हैं, जिससे चित्त शुद्धि होती है, हमारे भीतर उस नैतिकता का आधान होता है, और हम अपने संकल्प में बोधिसत्व की भूमिका में हम अपने को पाते हैं। बोधिसत्व उस अवस्था का नाम है जिसमें हम अपने जीवन के अनंतर भी हम अपने संकल्प को भूलते नहीं, हम उस सिद्धि को, बुद्धत्व की प्राप्ति के लिए कृत संकल्प रहते हैं। तो उसी तरह से शैव परंपरा में भी षडंग योग है, जिसमें यम नियम आसन इन तीनों को योग के अंग के रूप में परिगणित न करके एक दूसरा योगांग रखते हैं, जिसको हम सतर्क कहते हैं, जहां हम निरंतर अपने भीतर उहापोह को शांत करते हैं और उसकी अनुभूति करते हैं, उस सिद्धांत की, उस लक्ष्य की अनुभूति करते हैं। तो वो भावना भी है, तर्क भी है, दोनों स्थितियां हैं। तो इस प्रकार से योग के कई मार्ग हमारे यहाँ प्रचलित रहे हैं। तो इनमें बौद्धों का, जैसे उन्होंने कहा कि जो आलय है हमारा, आलय जो अंतिम विज्ञान है उनके यहाँ, जो चित्त का पर्यायवाची है, उसमें निरंतर तरंगें उठती रहती हैं, विषय वासनाओं से प्रेरित, जैसे वायु समुद्र में लहरें उठाती है, वैसे ही यह विषय वासना, ऐसी विषय वासनाएँ चित्त को निरंतर क्षुब्ध रखती हैं, और जब तक इनकी शांति नहीं होती तब तक निर्वाण संभव नहीं है। तो इसलिए वहाँ उन्होंने आलय को, जो आलय के लिए जो उपमा दी है वह समुद्र से दी है, और जैसे वायु का संचरण यदि रुक जाए तो लहरें समुद्र की शांत हो जाती हैं, उसी प्रकार से वासनाओं का यदि प्रभाव या वासनाएं यदि कहीं शांत हो जाएं, तो यह चित्त भी उसी रूप में शांत हो जाता है, जो हमारी मुक्ति के लिए आवश्यक है। तो यह जो एकाग्रता है, यह जो संलग्नता है मन बुद्धि और आत्म का, यह हम कहीं छोड़ चुके हैं। अब चूंकि पूरा विश्व एक बाजार है, उपभोक्ता, हम व्यक्ति नहीं हैं, हम उपभोक्ता हैं, हम चिंतनशील प्राणी से अधिक आज हमारी भूमिका इस रूप में है कि हम एक उपभोक्ता हैं। ग्रंथ भी, साहित्य के ग्रंथ के को भी जब हम पढ़ते हैं, तो आजकल ये नहीं कहते कि वो पाठक है या अध्येता है, हम एक कंज्यूमर हैं उसके, उस ग्रंथ के, इस रूप में हम पढ़ रहे हैं। मतलब कि हम कंज्यूम्ड भी हो रहे हैं और कंज्यूमर भी हैं, दोनों चीज़ें। तो इस स्थिति में आकर के जब हम योग की भूमिका की भी एक समीक्षा करते हैं, तो योग के केवल उन्हीं पक्षों को हमने अपने साथ रखा है जो इस संस्कृति के, इस उपभोक्तावादी संस्कृति के अनुकूल हैं। मतलब कि जिसमें व्यायाम पक्ष,
शरीर का सौष्ठव या शरीर का एक रक्षण जिसमें प्रधान है, हम केवल हमने अपनी सुविधा से उतने ही पक्षों को ग्रहण कर लिया है। और आश्चर्य नहीं कि इस योग को आजकल पढ़े लिखे लोग योगा कहते हैं, और यह एक अलग संस्कृति है। और इस संस्कृति में योग का जो वह प्राथमिक उद्देश्य है, मन शरीर मन बुद्धि आत्म तत्व का एकीकरण, अपने स्वरूप का लाभ, अपने में स्थित होना, अपने स्वरूप की प्राप्ति करना, यह लक्ष्य हम कहीं विस्मृत कर चुके हैं। और योग जो हमें अंतर्मुखी करता है, यही योग को इस रूप में इस तरह का साधन बना दिया गया इसको कि हम बहिर्मुखी होते चले जा रहे हैं इसके माध्यम से। और योग से शरीर स्वस्थ होता है, शरीर स्वस्थ होगा तो हम उपभोग करने की स्थिति में अधिक से अधिक होंगे, उपभोग करेंगे तो हमारे पास साधन भी चाहिए, साधन कमा की अर्जित करेंगे, और अंततः यह जो लाभ है वह इस बाजार को जाता है। तो इस प्रकार से निरंतर एक मूल्य विघटन चला रहा है। कला भी आजकल इसी रूप में परिणत हो चुकी है, कला भी उपभोग की वस्तु रह गई। तो साहित्य कला या जितनी भी कलाएँ हैं आज, जो कलाएँ हमें अंतर्मुखी बनाती रही हैं, उनका वर्तमान समय में उपभोग क्या है कि वह उपयोग बहिर्मुखी होने में। हम आज किसी ग्रंथ को इस रूप में संभवतः उसका मूल्यांकन नहीं करते कि उसमें गुण क्या है, दोष क्या है, वह कितनी कालजयी रचना है, कितना अपने मूल्यों को व्याख्यायित करती है, मूल्यों की स्थापना करती है, हम इस रूप में आज उसको मापते हैं कि उसकी कितनी अधिक से अधिक प्रतियां बिकी हैं बेस्ट सेलर के रूप में। तो यह जो पूरी शब्दावली जो बदल गई या मूल्यांकन के प्रतिमान बदल गए, आधार बदल गए, क्या हमें इसकी चिंता आज करने की आवश्यकता नहीं है? क्या आज हम अधिक विलंब नहीं कर चुके इन सब के मूल्यांकन में? जीवन के प्रति जो हमारा दृष्टिकोण होना चाहिए, जो था उसकी मैं चर्चा नहीं कर रहा हूँ, जो होना चाहिए उसकी चर्चा कर रहा हूँ। शायद जो था उसमें बहुत कुछ चाहिए भी था, है ना, लेकिन हम क्या यह पूरा अधिकार या पूरी सामर्थ्य जीवन की समालोचना का, जीवन के मूल्यांकन का धीरे धीरे हम खोते चले जा रहे हैं? क्या हमारे भीतर वह क्षमता ही शेष नहीं रह गई या कुछ दिनों बाद नहीं रह जाएगी जिससे हम अपने जीवन के लिए एक सुनिश्चित और फलप्रद मार्ग का चयन कर सकें और जीवन को उसकी समग्रता में मूल्यांकित कर सकें? तो यह एक स्थिति, मैं नहीं समझता कि कोई संक्रमण काल का समय रह गया है। अब हम अधिक से अधिक संक्रमित हो चुके हैं। यह समय प्रक्रिया का नहीं रह गया, प्रक्रिया अपने चरम फल को प्राप्त करने के निकट है, और जब यह परिपक्व हो जाए उससे पहले हमें शायद सचेत होना आवश्यक है। उस ओर हमें निश्चित रूप से अपने भीतर मूल्यांकन करने की ज़रूरत है, इस समग्रता में इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है, और अपने लिए अपने स्वातंत्र से अपना मूल्य निर्धारण करने की आवश्यकता है। बस एक बात कह करके मैं इस व्याख्यान को समाप्त करना चाहता हूँ कि जो संस्कृति आत्म चिंतन से विमुख होती है या आत्मचिंतन का सामर्थ्य जिसमें नहीं रह जाता, ऐसी संस्कृतियाँ अपना देश काल सब कुछ विस्मृत कर देती हैं, और तब सबसे बड़ा जो संकट आता है उनके सामने, और आ चुका है हमारे पिछले हजार वर्षों के ही इतिहास में बहुत बार ऐसा अवसर आ चुका है कि हमने अपनी पहचान खो दी है। और इस स्थिति में जब हम अपने को पहचान नहीं पा रहे हैं तब हम स्वशासित भी नहीं रह सकते, और स्वशासित नहीं रहने का मतलब यह है कि हम दूसरे जगहों का जो मूल्य है, जिसको दूसरी संस्कृतियां अपने यहाँ मूल्य समझती हैं या जो दूसरा समय अपने लिए मूल्य का निर्धारण करता है, उन सारे मूल्यों को भोगने के लिए, उन सारे मूल्यों का वहन करने के लिए हम अभिशप्त रहते हैं। कश्मीर शैव दर्शन, जो कि भारतीय दर्शन का एक विस्मृत प्राय
अध्याय है उसमें एक बड़ी अच्छी बात कही गई है और वह है प्रतिभिज्ञा की। प्रतिभिज्ञा का अर्थ है अपनी स्वरूप का पहचान करना, अपनी पहचान करना। तो उसके कई साधन वहाँ बताए गए हैं और सबसे बड़ा साधन ये है कि भगवान ने कम से कम इतना अवकाश छोड़ा है कि हम कोई भी व्यक्ति अपने स्वभाव को पूर्णतः विस्मृत नहीं करता, क्योंकि स्वभाव आवृत हो सकता है, विस्मृत नहीं हो सकता। पूर्णतः थोड़ी देर के लिए विस्मृति आ सकती है, तो उस विस्मृति से, उस मुग्ध अवस्था से हम बाहर निकलें और अपनी पहचान कर सकें। और इसलिए जो इस प्रतिभिज्ञा दर्शन का जो औचित्य या उद्देश्य या इसकी प्रासंगिकता है वह इस अर्थ में है कि व्यक्ति के स्तर पर भी हमें अपना प्रतिभिज्ञान हो, समाज के स्तर पर भी हो, और सबसे बढ़कर अपने देश और अपने समय का प्रतिभिज्ञान हमें हो। और इस दृष्टि से यह हमारा आज का युग धर्म है, अपनी पहचान को प्राप्त करना, अपनी पहचान को इस कोलाहल में समाप्त न होने देना। यह हृदय की बात है। मैं जयशंकर प्रसाद जी के ही कामायनी की एक पंक्ति से इस व्याख्यान को, इस वार्ता को समाप्त करता हूँ। तुमुल कोलाहल कलह में मैं हृदय की बात रे मन। और इसी हृदय की बात को इस कोलाहल के भीतर से सुनने का हमें अभ्यस्त होना चाहिए, इसी की साधना हमें करनी है, और यही हमारा युग धर्म है। बहुत बहुत धन्यवाद।